एक दादी प्रतिदिन अपने पोते को एक कहानी सुनाया करती थी। पोता भी उन कहानियों को बड़े प्यार से सुनता था। एक दिन पोता बोला कि दादी कहानी कैसे बनती है और कहाँ से सीखी आपने ये। दादी उसकी प्यारी बातों से खुश होती है और हंसने लगती, बोलती है कि हमें थोड़ा काल्पनिक सोचना पड़ता है और कहानी बनना शुरू हो जाती है और जो सुनी हुई बातें उसको याद रखना पड़ता है। लड़का सोचने लगा, लड़का नहीं नहीं कहानियों की बुकें पढ़ने लगता है, निरंतर अभ्यास करने लगता है, प्रतिदिन दादी से भी कहानी सुनता है और कभी कभी लोगों को भी सुनाता है गाँव में और कभी कभी प्रतियोगिता में भाग भी लेता है। कुछ समय के बाद वह बहुत अभ्यास करने लगा। अंततः एक दिन ऐसा आया प्रतियोगिता में फर्स्ट नंबर आया। कुछ समय के बाद एक दिन वह कहानीकार भी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कड़ी मेहनत और संघर्ष से पाया जाए।